सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो ये लॉ दो साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था, पहले थे केल्विन प्लैंक और दूसरे थे क्लॉजियस। केल्विन प्लैंक ने एक हीट इंजन लिया था और उसे एक सोर्स और स्ट्रीम के बीच में रख दिया था, जिसे हम रिजर्वायर्स बोलते हैं, जो कि एनर्जी के सोर्स होते हैं। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर ये हीट इंजन को कुछ वर्क प्रोड्यूस करना है, तब ये हीट इंजन को अपनी जो हीट एनर्जी है Q1 और Q2, वो दो रिजर्वायर के साथ एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके ये हीट इंजन कुछ वर्क प्रोड्यूस कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। क्लॉजियस ने एक हीट पंप लिया था और उन्होंने ऐसा बोला था कि हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक फ्लो कर सकती है, लेकिन हमें पता है कि हीट हमेशा हाई से लो ही जाती है, लेकिन अगर हीट को हमें लो से हाई ले जानी है, तब हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।